एलआईसी का आईपीओ कब होगा शुरू? सस्ते कर्ज की मोहलत पर बड़ी खबर क्या है? आप सभी फ्रंट फेसिंग पैसेंजर्स के लिए बेल्ट क्यों हुई अनिवार्य? मैन्युफैक्चरिंग, आयात निर्यात और कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी। LIC अपना IPO लाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। IRDAI ने LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद LIC के जल्द ही अपना DRHP SEBI के पास दाखिल करने की उम्मीद है। सरकार अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचने वाली है, इस बात का खुलासा DRHP दाखिल होने के बाद पता चलेगा। RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी अभी आपको सस्ते कर्ज की सुविधा और 2 महीनों तक मिलती रहेगी। अप्रैल में होने वाली मौद्रिक समिति की बैठक में ही अब ब्याज दरों को लेकर कोई फैसला होगा। RBI ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं किया। सरकार ने कार निर्माताओं के लिए कार में सभी फ्रंट फेसिंग पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट को अनिवार्य बना दिया है। ये नियम कार की मिडल और रियर रो के लिए भी लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इस नियम को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। ICICI बैंक अब क्रेडिट कार्ड पर सभी तरह के कैश एडवांस पर 2.5% ट्रांजेक्शन फीस वसूलेगा। बैंक ने लेट पेमेंट चार्ज में भी बदलाव किया है। ड्यू अमाउंट पर लेट फीस 100 रुपए से लेकर 1,200 रुपए तक होगी। RBI ने ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के डिजिटल वितरण की सुविधा के लिए इसके कई बार उपयोग की इजाजत भी दी है। RBI के डिप्टी गवर्नर M. राजेश्वर राव ने कहा है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल लोन पर दिशा निर्देश लाएगा। डिजिटल लोन पर कार्य समूह ने पिछले साल नवंबर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने सहित डिजिटल कर्ज पर अपनी सिफारिशें दी थीं। सुझावों के आधार पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने नई वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम को शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए ग्राहक को 149 रुपए हर महीने खर्च करने होंगे। नई सेवा में 15 लोकप्रिय वीडियो एप्स के कंटेंट को एक जगह पर पेश किया जाएगा। सरकार ने ड्रोन के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ रिसर्च, रक्षा और सुरक्षा के मकसद से ही ड्रोन आयात किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग से मंजूरी भी लेनी होगी। ड्रोन के कलपुर्जों के आयात के लिए किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। DGFT ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन फैशन एंड ब्यूटी रिटेलर नायका का दिसंबर तिमाही मुनाफा 59% घटकर 28 करोड़ रुपए रह गया। इस वजह से कंपनी का शेयर 138 रुपए टूटकर 1,711.95 रुपए पर आ गया। एक साल पहले इस दौरान कंपनी को 69 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।